नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए प्लान में जो कि आपका है ट्वेंटी एट इंटू थर्टी फाइव ये आपका हो जाएगा नाइन जीरो स्क्वायर फीट का एक ओवरऑल एरिया है जिसमें आपका टू बी के हाउस प्लान डिजाइन किया गया है एंड इसमें आपका बात करें आउटर वॉल के सेक्शन की तो ये आपका नाइन इंच का रहेगा ये आपका जो बाउंड्री वॉल रहेगा आउटर वॉल नाइन इंच का एंड जो इनर वॉल के सेक्शन है आपके ये सभी इनर वॉल के सेक्शन आपके आ जाएंगे फोर इंचेस के जो भी अंदर का पार्टीशन वॉल रहेगा रूम का लेट बाथ किचन जो भी आपका पार्टीशन वॉल का सेक्शन है वो फोर इंच का सेक्शन आ जाएगा ये हिस्सा आपका मेन गेट रहेगा आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है व्हीकल पार्किंग के लिए तो ये आपका मेन गेट का सेक्शन हो जाएगा इसके बाद बात करें साइड की तो आपका ईस्ट फेस हाउस प्लान डिजाइन किया गया है या आपका ईस्ट एंड दिस साइड आपका वेस्ट साइड यानी कि पूर्व दिशा में आपका इसका जो मेन गेट का सेक्शन रहेगा इसके बाद हम बात करेंगे इसके कॉलम के सेक्शन की तो आपका ये साइड वॉल में या फ्रंट वॉल में जो कॉलम रहेंगे वो सेक्शंस आ जाएंगे इसके बाद ये एक कॉलम आपका यहाँ रहेगा जो कि गेट पे सपोर्ट के लिए रहेगा ये आपका ड्राइंग रूम के सेक्शन में डोर सॉरी कॉलम ये आपका साइड की बॉल में कॉलम के सेक्शन यहाँ पे आपके जो लास्ट बॉल है उसमें कॉलम के सेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे कॉलम की संख्या है या फिर उसका डिस्टेंस उसको आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें कोई ओवरऑल या आपको एक आइडिया बताया गया है कि आपको कॉलम के सेक्शन दिए गए हैं साथ ही ये आपका सेंटर में एक कॉलम हो जाएगा इसके बाद हम बात करेंगे इसके गेट की साइड की कि गेट प्रोवाइड किया जाएंगे तो यहाँ से आपका एंट्रेंस रहेगा उसके तो बाद एक ये फोर्स से ड्राइंग रूम के सेक्शन के लिए सेंटर में डोर प्रोवाइड किया गया है ये आपका ड्राइंग रूम से ड्राॅइंग रूम से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ डोर या फिर किचन का सेक्शन में डोर एंड इसके बगल में जो एक बेडरूम प्रोवाइड किया गया है उसके में डोर का सेक्शन अटैच लाइटवाद का सेक्शन रहेगा इसमें भी आपका एक डोर का सेक्शन आ जाएगा एंड ये आपका एक एक्स्ट्रा रूम है टू बी के हाउस है इसलिए तो एक रूम इधर ये आपका फोर्थ से बेडरूम के सेक्शन के लिए एक डोर यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर में ये आपके सभी डोर के सेक्शंस हो जाएंगे एंड इसके बाद हम देखेंगे इसमें आपका विंडो के सेक्शंस तो ये आपका विंडो का सेक्शन ये आपका विंडो हो जाएगा जो कि फ्रंट रोड पे यानी कि मेन रोड पे ओपन होगा वेंटिलेशन के लिए एंड इसके बाद आपका एक विंडो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इसके पीछे जो ओपन स्पेस है वो खुलेगा ड्राइंग रूम में एंड किचन का विंडो वहाँ पर रहेगा ये आपका किचन का विंडो हो जाएगा ये आपका ड्राइंग रूम के सेक्शन विंडो वेंटिलेशन के लिए एक विंडो यहाँ हो जाएगा एंड किचन के सेक्शन के लिए एक विंडो आपका ये वाला विंडो हो जाएगा इनको मैं नोट कर देता हूँ आपको तो ये सेक्शंस आपके विंडो के हो जाएंगे विंडो ये भी आपका विंडो एंड ये भी आपका विंडो हो जाएगा तो तीन विंडो या विंडो की संख्या आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अपने अनुसार या साइड वॉल में विंडो दे सकते हैं तो ये आपका फोर्च या पार्किंग यानी टू व्हीलर पार्किंग हो जाएगा इधर आपका ड्राइंग रूम का सेक्शन हो जाएगा विंडो तो ये आपका एक बेडरूम फर्स्ट बेडरूम ये आपका ओपन स्पेस या फिर आप इसको डाइनिंग स्पेस भी कह सकते हैं एंड ये आपका एक एक्स्ट्रा एक रूम एंड आपका ये लास्ट में किचन का सेक्शन आ जाएगा जो आपके सेक्शंस होते हैं एंड ये आपका ये लाइट बात का सेक्शन रहेगा इसके बाद अगर बात करें इसमें इसके साइज की तो साइज में आपका ये जो आपका बेडरूम है तो बेडरूम में आपका जो साइज रहेगा नाइन एलेवन फीट वन इंच एंड नाइन इंच का सेक्शन उसके बाद आपका स्टेयर का सेक्शन आता है तो इसमें लेंथ वाइज ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये आपका रहेगा टेन फीट का एंड ये वाला सेक्शन आपका ये वाला लेंथ आपका सेवन फीट का रहेगा एंड थ्री बाई थ्री का आपका ये स्टेयर रहेगा इसका जो बेड है वो थ्री सेक्शन अगर किचन के सेक्शन की बात करते हैं तो किचन में आपका ये सेक्शन सेवन फीट आ जाएगा एंड ये वाला सेक्शन आपका एट फीट का यानी व्रथ का सेक्शन आपका एट फीट का रहेगा उसके बाद एक ओपन स्पेस दिया गया है जो कि सिक्स फीट सिक्स इंच का सेक्शन है यानी डाइनिंग टेबल के लिए या फिर आप इसको वेंटिलेशन के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं जो कि ड्राॅइंग रूम और किचन के लिए रहेगा इसके बाद आपका लेट लेटवाद का सेक्शन आता है जो कि सात इंटू छः आपका सात वाई छः का लेटवाद रहेगा अटैच लेटवाद का सेक्शन एक आपका जो रूम दिया गया उसके बगल में वो आपका वर्थ रहेगा एलेवन फीट थ्री इंच का एंड लेंथ रहेगा नाइन फीट एट इंच का सेक्शन ये लेंथ का सेक्शन आ जाएगा इसके बाद आपका ड्राइंग रूम का सेक्शन है जिसमें ब्रिथ है आपका थर्टीन फीट एलेवन इंच का एंड लेंथ है आपका ट्वेल्व फीट का ये आपका लेंथ एंड ब्रथ हो जाएगा आपका फोर्च ऑफ पार्किंग का सेक्शन इसमें चार फीट का आपका ये लेंथ का सेक्शन रहेगा टू व्हीलर पार्किंग के लिए एंड आपका ट्वेंटी फीट के अप्रॉक्स आपका ये वृद्ध का सेक्शन आ जाएगा इसके बाद बात, बात करेंगे इसके बिल्डिंग कॉस्ट की तो बिल्डिंग कॉस्ट आपका इसका अप्रोक्स रहेगा लगभग टेन टू अलेवन लैख जो कि आपके लोकेशन के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकता है ये कोई फिक्स नहीं है तो ये आपका आज का प्लान होता है अगर आप ऐसा और कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू